हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमैटिक्स, ठीक है ना। काइनेमैटिक्स का मतलब ऑब्वियसली मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देने वाला हूँ जेई एडवांस के, ठीक है। फर्स्ट टाइम हो रहा है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे किसी ने भी अभी तक जेई एडवांस के सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रखा है। मैं सारे के सारे सॉल्व करूंगा फ्रॉम 1978 से आपका पहला जेई एडवांस निकाला गया था। उससे पहले सारे इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग पेपर्स होते थे, 1978 से शुरू हुआ था। तो 1978 से लेकर के 2019, क्योंकि अभी तक वहीं तक ही एडवांस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके जितने भी आज तक पेपर आए हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन आए हैं काइनेमैटिक्स टॉपिक से, मतलब चाहे 1D हो, चाहे 2D हो, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा, वो अलग चैप्टर है, वो अलग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो टोटल जो क्वेश्चन इसमें से आए हैं वो है 28 क्वेश्चन हैं, जो प्योरली मतलब जिसमें किसी और चीज़ का ज़्यादा कंसेप्ट ना लगे, ठीक है। थोड़ा बहुत NLM का थोड़ा बहुत कंसेप्ट लग सकता है, तो यार वो थोड़ा बहुत तुम्हें लिबर्टी लेनी पड़ती है एडवांस के लिए, पर 99% केसेस में सिर्फ काइनेमैटिक्स ही लगेगा। 28 क्वेश्चंस का सेट है वो, ठीक है। तो आज अभी इस लेक्चर में देखते हैं कितने हो जाते हैं हम लोगों से, ठीक है। और मैंने टाइप वाइज बांटा है, मैंने किया क्या है, जैसे मैंने बोल दिया सिंगल करेक्ट, तो सिंगल करेक्ट में लेटेस्ट से शुरू किया है। जैसे सिंगल करेक्ट 2017 में आया था लास्ट टाइम, तो 2017 है ना। उसके बाद फिर देखो तुम 2005 में पूछा था, उससे पहले 2004 में था, इस टाइप से हो गया, ठीक है। उसके बाद सारे सिंगल करेक्ट आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे उसके बाद, फिर हम आ जाएंगे उस पर मल्टीपल करेक्ट में, यानी कि मोर देन करेक्ट में। तो मोर देन करेक्ट काइनेमैटिक्स टॉपिक से 1993 में पूछा गया था, उससे पहले मतलब उसके बाद एक बार भी नहीं पूछा गया मोर देन करेक्ट के अंदर। पर काइनेमैटिक्स वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज का तुम ट्रेंड देखोगे तो 2019 में भी उसने पूछा, एसर्शन रीजन था ये वाला, अभी दिखाता हूँ तुमको। कहाँ गया, मतलब 2019 में भी पूछा, 2018 में भी पूछा, 2017 में भी पूछा। ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, और अभी जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है वो 2017 का क्वेश्चन है। तो और 2016 में जो उसने पूछा है वो है तो वैसे काइनेमैटिक्स का ही, पर उसमें थोड़ा बहुत टॉर्क वर्क लग रहा है, हल्का सा टॉर्क लग रहा है जो रोटेशनल मोशन में सीखते हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन रोटेशनल में डाल दिया गया है। पर वो मेजर तौर पे काइनेमैटिक्स का ही है, इसलिए मैं उसको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं मान के चलूँगी तुमने रोटेशन अभी नहीं पढ़ा होगा, तुमने अभी सिर्फ काइनेमैटिक्स पढ़ा है, और मे बी तुम्हें थोड़ा बहुत शायद शायद हल्का फुल्का आइडिया उसका होगा कि यार न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और हल्का फुल्का की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इस टाइप की चीज़ें हल्का फुल्का आइडिया होगा, वरना इसकी कोई ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। 99% केसेज में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं फिर सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 2017 का क्वेश्चन है ये, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब ओपनिंग ही बहुत बढ़िया हो रही है हमारी। 1978 से 2019 तक सारे के सारे क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन का सेट। क्वेश्चन नंबर 1, क्या है, कंसिडर एन एक्सपेंडिंग स्फेयर ऑफ, मतलब तुम्हारे पास एक बॉल है, एक स्फेयर है ऑफ इंस्टेंटेनियस रेडियस आर, मतलब एक स्फेयर है, एक स्फेयर है तुम्हारे पास जो कि मतलब वो हो रहा है, मतलब वो बड़ा हो रहा है, अगर तुम देखोगे तो एक्सपैंड हो रहा है, अगर इसको तुम स्फेयर मान लो तो ये अपना साइज जो है वो बढ़ा रहा है। चलो इतनी बात हम समझ में ही, पहली लाइन से लाइन बाय लाइन, हमेशा एडवांस का क्वेश्चन इतना लंबा हो जाता है ना कई बार कि उसको लाइन बाय लाइन समझते रहना चाहिए। उसने फिर क्या बोला तुमसे, उसने बोला कि इसका अगर मैं इसका मास मान लूँ m, तो ये मास m हमेशा इसका कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब भली चाहिए एक्सपैंड हो रहा है, तो एक्सपैंड होने का मतलब ये नहीं कि इसमें मास जुड़ता जा रहा है, अगर ये 10 किलो का है तो 10 किलो का ही रहेगा, फिर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, समझ गए। तो ठीक है, इसका मास m जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इसका रेडियस जो है वो किसी इंस्टेंट पे मान लो आर है, मान लो स्मॉल आर है, अगर ये बड़ा होगा, मानो ये बड़ा हो गया, मानो ये स्फेयर जो है ये बड़ा हो गया, ये समझ में आ रहा नहीं, सर्कल नहीं बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बॉल बनाई है जो एक्सपैंड हो रही है, स्फेयर बनाया। तो अगर किसी एक और दूसरे इंस्टेंट पे देखोगे तो किसी भी इंस्टेंट पे रेडियस को हम आर बोलेंगे, इसका मतलब ये नहीं ये वाला आर और ये वाला आर सेम है, उसका मतलब ये कि किसी भी इंस्टेंट पे जो रेडियस होगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्मॉल आर, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसने बोला कि जो ये मतलब ये जो स्फेयर बढ़ रहा है ना, ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, मतलब द एक्सपेंशन इज सच दैट द इंस्टेंटेनियस डेंसिटी रो रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, रो का क्या मतलब है, डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि भाई मास का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम पे, है ना, मतलब तुम्हारी जो बॉल है वो ऐसा तो नहीं कि ना कि आधी भारी है आधी हल्की है, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है उसके अंदर, मतलब पूर्ण रूप से बिल्कुल यूनिफॉर्म बनाया गया है उसकी, उसकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, इंस्टेंट मतलब यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है पूरे वॉल्यूम पे, ठीक है। तो अगर वो एक्सपैंड भी हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी डेंसिटी इधर उधर जा रही है, जब वो एक्सपैंड हो रहा है तो यूनिफॉर्मली एक्सपैंड हो रहा है, मतलब अगर किसी इंस्टेंट पे मैंने बोल दिया कि इसकी डेंसिटी जो है वो रो है ना, तो इस रो का मतलब ये कि पूरे स्फेयर के लिए रो है, ये नहीं है कि भैया इस वाले रीजन के लिए रो वन है, इस वाले के लिए रो टू है, ऐसा नहीं बोल रहे हम लोग, ठीक है। तो आई होप सो तुम्हें ये लाइन भी समझ में आ गई। फिर उसने क्या बोला, द रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी इज दिस, ठीक है। तो टाइम के साथ उसने तुम्हें जो रो है, जो डेंसिटी है, वो कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, उसका तो तुम्हें उसने रेट दे दिया है, ठीक है, और बोला ये कांस्टेंट है, मतलब ये रेट कांस्टेंट है, ये समझ में आ रहा है, मतलब ये मानो हम बोलते हैं किसी की स्पीड है, मानो कोई पार्टिकल चल रहा है तो वो 0 से चला, फिर वो 10 की स्पीड से चला, फिर वो 20 की स्पीड से चला, तो इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है वो कांस्टेंट है, 10-10 की स्पीड से बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं कि रेट कांस्टेंट है। ये एक एग्जांपल था सिंपल सा। फिर उसने पूछा गया, मतलब यार इतना एपिक क्वेश्चन पूछ लिया ना 2017 एडवांस ने, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और उसने बोला द वेलोसिटी वी of any point on the surface of the expanding sphere is proportional to, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, चलो किसी दूसरे कलर से शो करते हैं, तो
मान लो ये तुम्हारा एक स्फेयर है, किसी एक टी एक किसी टी टाइम पर इसका रेडियस है मान लो आर वन, ठीक है, और तुम्हारा पार्टिकल पार्टिकल कह रहा हूँ सॉरी, मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, मान लो मैंने ये वाला एक पॉइंट ले लिया स्फेयर के ऊपर, स्फेयर की सरफेस के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। और हुआ क्या कि जब मैंने ये पॉइंट लिया तो अब क्या हुआ, क्योंकि हमें पता कि स्फेयर जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, तो थोड़े टाइम बाद होगा क्या, स्फेयर बढ़ जाएगा, स्फेयर स्फेयर जो है वो बड़ा बढ़ जाएगा, है ना, बड़ा हो जाएगा वो। तो जब बड़ा हो जाएगा तो ये जो पॉइंट है ये कहीं यहाँ पे पहुँच जाएगा कहीं पे, ठीक है, तो ये भी वही ए पॉइंट है, ये अभी भी ये ए पॉइंट ही है। तो ये जिस स्पीड से ये गया है ना, ये तो मतलब अपना ए पॉइंट जो है ये यहाँ पे था पहले, और अब ये यहाँ पहुँच गया, पहले यहाँ पर था अब ये यहाँ पहुँच गया, तो जिस स्पीड से ये गया उस स्पीड का मतलब वेलोसिटी वी, मतलब उस वेलोसिटी का तुमको रिलेशन बताना है, उसको उसकी प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है रेडियस के साथ, आर के साथ उस वेलोसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है। तो ये क्वेश्चन पूछा है 2017 एडवांस ने, और कोई कहेगा भी नहीं कि काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है, पर तुम्हें जैसे उसने बोला वेलोसिटी पूछ रहा है तो डेफिनेटली इट्स अ काइनेमैटिक्स क्वेश्चन, क्योंकि इसमें और कुछ लग ही नहीं रहा है। अब हमने लॉजिकली दिमाग लगाना सोचने की कोशिश करी यार कि चल क्या रहा है ये, उसने इतनी सारी चीज़ें बोल दी ना कि दिमाग खराब हो रहा है सुन के कि क्या है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। उसने बोला कि यार मेरे पास एक स्फेयर है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, उसका मास हमेशा कांस्टेंट है, मैंने कहा रुक जाओ, उसका मास हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है, मास हमेशा कांस्टेंट है, उसका किसी इंस्टेंट पर जो उसका रेडियस है वो आर है, ओके, और उसकी जो डेंसिटी है रो वो हर जगह पे यूनिफॉर्म है किसी भी इंस्टेंट पे। और उसने एक चीज़ बोली है कि रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी वो तुमको दे रखा है 1/ρ d rho by dt। फिर बोला था वेलोसिटी वी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ एक्सपैंडिंग स्फेयर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। अब मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने बोला एक बात सोच, मैंने बोला भाई बोल। तो उसने क्या बोला, मतलब मैंने क्या बोला सॉरी, मैंने ये बोला कि जो जो तुम्हारा जो ये पॉइंट है, ये तुम्हारा जो ए पॉइंट है, इस ये किस डायरेक्शन में ये जा रहा है, बेसिकली ये रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, ये रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। तो तुमने ये टर्म शायद सुन रखा होगा, रेडियली आउटवर्ड का मतलब होता है कि अगर ये स्फेयर है तो स्फेयर का जो रेडियस होता है ना, अगर ये स्फेयर का रेडियस है आर तो उसकी डायरेक्शन में ही तुम जा रहे हो, तो डेफिनेट सी बात है कि अगर ये ए है तो यहाँ पे जो ये इसका रेडियस है आर, ये जो इसकी वेलोसिटी है वो आर के डायरेक्शन में ही बढ़ेगी, राइट, यानी कि तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो रेडियली आउटवर्ड है, राइट है। तो क्या मैं इस वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता हूँ डी आर बाय डी टी, बोलो, इट इज़ द चेंज ऑफ मतलब इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ द स्फेयर, क्या है तुम्हें ये बात समझ में आई, आई होप तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो बेसिकली रेडियस का ही रेट है। एक बात सोचो, अगर यहाँ पे 5 मीटर पे था, अगर ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वेयर है और अब जाके हो गया 7 सेंटीमीटर का, तो तुमने बेसिकली 2 सेंटीमीटर तो ट्रेवल किया, राइट है, तो तुमने चेंज करा ना, तुम्हारा रेडियस ही तो चेंज हुआ, मतलब जो उसका जो जो मतलब इसी का ही तो तुम निकाल रहे हो, इसी का इसी इसी चेंज की तो तुम स्पीड निकाल रहे हो, इसी की तो वेलोसिटी निकाल रहे हो कि 2 सेंटीमीटर कितनी देर में पहुंचा वो, उसी को तो हम वेलोसिटी बोलते हैं। और ये 2 सेंटीमीटर कहाँ से आया, ये तुमने क्या करा, तुमने आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करा, रेडियस फाइनल माइनस रेडियस इनिशियल, इसका क्या मतलब हो गया कि तुमने डी आर निकाला बेसिकली। ये तो मैंने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल ले लिया, पर अगर तुम बिल्कुल डी टी टाइम के लिए कंसिडर करोगे तो तुम डी आर ही बोलोगे ना। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि वी इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी, बहुत बढ़िया। अब मेरे को डी आर बाई डी टी चाहिए, अगर मेरे को डी आर बाई डी टी चाहिए उसके लिए मेरे को आर चाहिए, तो मैंने सोचा यार मैं आर कहाँ से लाऊँ। फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, मैंने बोला एक बात सोचो, तुम ये आर किसके लिए निकाल रहे हो, मैंने बोला यार किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर मान लिया, मान लेते हैं कि जो स्फेयर है उसका रेडियस आर है, ठीक है, उसकी डेंसिटी रो है ना, किसी टाइम टी पर मान लेते हैं, और मास तो उसका एम ही रहेगा चाहे किसी भी टाइम पर ले लो, राइट। तो फिर अब मुझे बता कि इसका रो एक्चुअल में होगा क्या, रो होता क्या है, रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास तो मेरे को पहले से पता है, और वॉल्यूम क्या होती है, स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 πr³, यही तो होती है यार, है ना, यही तो होती है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो मैंने बोला कि यार रुक जाए, यहाँ से हम लोग आर निकाल सकते हैं, तुमने बोला ये बात भी सही है, हमने यहाँ से बड़े आराम से आर निकाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ से आर निकाल लिया, R³ को इधर लेकर गए, M को इधर रख दिया, और ये हो गया 4π और 3 ऊपर चला गया, तो 4π और ये 3 आ गया, यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारे पास आर आ जाएगा। अब आर क्या आएगा तुम्हारे पास, तो आर आएगा 3m/4, अच्छा यहाँ पे मैं रोल आना तो भूल ही गया, है ना, ये इधर भी तो आएगा, है ना। मैं बहुत ही हल्के हल्के बता रहा हूँ, इसमें टाइम लगेगा, पर ये क्वेश्चन तुम खुद समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का है, ठीक है, 4 और ये हो गया इसकी बराबर 1/3। आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या हुआ कि रेडियस जो है हमें वो मिल चुका है, और हमें क्या चाहिए, हमें तो डी आर बाई डी टी चाहिए, तो निकाल लेना इसको, डिफरेंशिएट कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, तो रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको डिफरेंशिएट किया डी आर बाई डी टी, तो क्या आएगा तुम्हारे पास, बोलो, तुम्हारे पास आएगा, एक तो आएगा 1/3, ठीक है, फिर तुम अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे, है ना। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 3m/4πρ, 4πρ 1/3 -1, है ना, सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया। फिर चेन रूल से हम पहले अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 3m/4π तो कांस्टेंट है ना, 1/ρ ही तुम्हारा अटक रहा है यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, बोलो, तो यहाँ पे एक तो ये कांस्टेंट ही बाहर निकल आएगा,
तो अगर मैं जल्दी से डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ तो यहाँ जाएगा 1/3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3m/4πρ, ठीक है। अभी मैं ना इसका तुम्हें एक दूसरा मेथड भी दिखाऊंगा जो बहुत छोटा है इससे, फिर आ जाएगा 1/3 -1, राइट। फिर क्या करेंगे, फिर इस अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। अब अंदर वाले में तुम्हें पता है कि एम भी कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, थ्री भी कॉन्स्टेंट है, फोर भी कॉन्स्टेंट है, बस रो है जो चेंज होगा टाइम के साथ, है ना। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट है, बिल्कुल, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल अभी के लिए तो अगर तुम अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हो तो 3m/4π ये बाहर आ जाएगा, बिल्कुल। और जो 1/ρ है, जो 1/ρ है उसका तुम्हें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1/ρ, है ना, ये तो बिल्कुल 1/x का डिफरेंशिएशन है। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/ρ², राइट, यही आएगा, बोलो। और फिर क्योंकि रो जो है वो एक्चुअल में डायरेक्टली तो है नहीं, तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि तुम dy/dx कर रहे हो, पर y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इसलिए तुम्हें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, dρ/dt भी लिखना पड़ेगा। ये कंसेप्चुअल तरीका है, अभी इसका एक शॉर्टकट भी दिखाऊंगा तुमको, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3m/4π, 4π ρ 1/3 ÷ 3m/4π, 4π ρ, ठीक है। क्या करा मैंने, इस माइनस वन को नीचे लिख दिया, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 3m/4π, ठीक है। और ये जो माइनस है इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और 1/ρ², तो 1/ρ² ये लिखा है, 1/ρ² और ये लिखा हुआ है dρ/dt। अब देखो बहुत चीज़ें कट जाएंगी, ये 3m/4π कट गया, 3m/4π कट गया, ये 1/ρ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 1/ρ ने 1/ρ का स्क्वायर हटा दिया, इसको सिर्फ 1/ρ रहने दिया। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो r लिखा हुआ है ना, ये तो हमें पता है, ये तो r लिखा हुआ है, तो ये चीज़ क्या है, ये तो r है, यानी कि हमारा dr/dt, हमारा dr/dt आ चुका है माइनस ऑफ 1/3, ठीक है। और यहाँ पे आ गया एक r, ठीक है, यहाँ पे एक r आ चुका है, और उसके बाद ये क्या बचा, 1/ρ dρ/dt, ठीक है ना, क्या बताइए, अंदर क्या गया, रो, और यहाँ गया dρ/dt। इसका मतलब क्या हो गया, अगर तुम आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो 1/3 एक कॉन्स्टेंट है, रो एक कॉन्स्टेंट है, dρ/dt, उसने तुम्हें पहले बोल दिया था कि 1/ρ dρ/dt इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो उसने इसके लिए दिया था तुमको कि वो कॉन्स्टेंट क्यों था, वो तो उसने इसलिए दिया था यहाँ पे। और अब बचा क्या, अब सिर्फ r रह गया, वॉट डज दैट मीन, और dr/dt एक्चुअल में है क्या, वेलोसिटी है ये, तो यानी कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया रेडियस के, ठीक है। तो बस यही तुम्हारा आंसर हो गया कि कौन सा ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही हो गया। पर आपको बोलेगा इतना लंबा, मतलब वैसे तुम्हें समझाने में ज़्यादा टाइम लग गया, वरना तो कुछ इतना टाइम लगेगा नहीं अगर कोई अपने आप कर रहा है तो, ठीक है। फिर भी मैं तुम्हें एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ, ठीक है, जो काइंड ऑफ इससे फास्टर है, पर ना वो कंसेप्चुअली इतना मज़ा नहीं आता उसमें, मतलब वो मैंने ये चीज़ ज़्यादा देखी, जो छोटे तरीके होते हैं वो कंसेप्चुअली अच्छे नहीं होते। अब मेरा ये यहाँ पर ये कि तुम्हें सीखना भी है साथ में, सिर्फ करना नहीं है क्वेश्चन को। तो हमें क्या पता था, हमें पता था कि m बाय, देखो m किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा 4/3πr³, लिख लो यहाँ पे मेथड नंबर 2, ठीक है, मेथड 2। तो मेथड 2 क्या है भाई साहब, कि भाई मास क्या होता है, 4/3πr³ × ρ, ठीक है। अच्छा अब हमें बताया कि मास जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि अगर मैं dm/dt करूंगा, dm/dt तो वो जीरो आएगा, सही बात है एकदम। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया साइड बाय साइड, जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा उसको जीरो को इक्वेट कर देना, और तुम्हारे पास डायरेक्टली तुम्हारे को वेलोसिटी मिल जाएगी डायरेक्टली, क्योंकि अब मेरे को ये बात पता होगी पहले से कि dr/dt जो होता है वो v होता है। तो इस पूरे को मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ यार, है ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर देना और उसको इक्वल टू जीरो कर देना, ठीक है। और जो dr/dt का टर्म होगा तुम देखना अपने आप ही वो आगे प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो ये तुम्हारा मेथड 2 था, जो कि फास्टर है, डेफिनेटली फास्टर है, पर डेफिनेटली यार सीधी बात बताऊँ, पक्का नहीं है कि तुम्हें ये स्ट्राइक करेगा पेपर में, जो मैंने तुम्हें बताया तरीका, हो सकता है वो भी स्ट्राइक ना करे क्योंकि क्वेश्चन उसके हिसाब से टफ है, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल मैंने तुम्हें सॉल्यूशन दे दिया है, अब बाकी तुम अपने हिसाब से देख लो कि तुम्हें कौन सा मेथड अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, चलो। द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी वी विद डिस्प्लेसमेंट एक्स। अगर तुमने ढंग से काइनेमेटिक्स पढ़ रखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ्स, है ना, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ, ये बहुत आते हैं कि तुम्हें वी एक्स ग्राफ दे दिया उसने और उसको तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना है ए एक्स ग्राफ से, ठीक है। तो ये सब अगर तुमने किसी ढंग से पढ़ रखा होगा तो तुम्हें ये आता भी होगा कि कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हमने कुछ नहीं, उसकी इक्वेशन बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो हमें दे रखा है कि ये हमें एक वी नॉट वी एक्स ग्राफ दे रखा है बेसिकली, और हमसे क्या बोला गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ए एक्स ग्राफ, ठीक है। तो तुम्हें वी एक्स ग्राफ दे दिया और ए एक्स ग्राफ पूछा है तुमसे, तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि तुम इसकी इक्वेशन बना लो। तो वी एक्स ग्राफ में इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, देखो लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c, y = mx + c, तो यहाँ पर तुम्हारा सी क्या है, इंटरसेप्ट क्या है तुम्हारा, वी नॉट है यहाँ पर, राइट है। और यहाँ पर स्लोप क्या है, तो स्लोप तुम निकाल सकते हो बड़े आराम से, क्यों, क्योंकि मेरे को ये दे रखा है कि इस टाइप से तुम्हारी लाइन दे रखी है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, 0, v0, ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है x0, 0, ठीक है। तो व्हाट इज द स्लोप, स्लोप इज बोलो -v0/x0, इसको हटाने से -v0/x0। तो अब तुम्हें सब कुछ पता है, तो तुम डाल दो यहाँ पे, और y क्या है, y तो वेलोसिटी है, तो v = c को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, तो v0
माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट इंटू सी, सी कह रहा हूँ सॉरी, इंटू एक्स। आई होप सो तुम्हें ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ समझ में आ गई होगी कि वेलोसिटी को मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। अब बहुत ही सिंपल हो गया, अब मुझे पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, तो क्योंकि मुझे एक्स ग्राफ यूज़ करना है तो एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, वी डी वी बाई डी एक्स। क्या इतनी सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि हमें वी डी वी बाई डी एक्स यूज़ करेंगे। अब मैंने सोचा यार कि ये मैं कैसे यूज़ करूँगा, देखो वी तो मैं ये डाल दूँगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये मैं डाल दूँगा इसके अंदर। नाउ व्हाट इज़ डी वी बाई डी एक्स, तो मुझे लग रहा है डी वी बाई डी एक्स ही तो स्लोप है, ठीक है। अरे यार ये एम क्या होता है, एम होता है वी एक्स ग्राफ का स्लोप, एंड व्हाट इज डी वी बाई डी एक्स, ये भी तो स्लोप होता है राइट। तो स्लोप किसका है, ये किसका स्लोप है, इसी इसी ग्राफ का स्लोप है, ये वी एक्स ग्राफ का, यानी कि डी वी बाई डी एक्स जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं पूरे को एक के अंदर डाल रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन मेरा फाइनली क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन मेरा आ रहा है डी वी बाई डी एक्स, डाल दो पहले डी वी बाई डी एक्स क्या है, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया क्या, डी वी बाई डी एक्स। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ये रही, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी, तो डैट इज वी नॉट माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट बाई एक्स नॉट, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्स तो है ही, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स नॉट, ठीक है, प्लस प्लस वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आ रहा है फाइनली। अब ये लिखा हुआ क्या है, ये एक्सेलरेशन जो आया है तुम्हारा, ये क्या है, क्या ये एक्चुअल में लिखा हुआ ही क्या है। तो अगर तुम इस पर दिमाग लगाओगे ना, सिंपल सा दिमाग लगाओगे, तो ये तो ऐसा लिखा हुआ है y इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है mx, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है प्लस c, राइट है, माना कि स्क्वायर वायर में है पर है तो कॉन्स्टेंट ही, तो एम एक्स प्लस सी, तो ये तो स्ट्रेट लाइन होगा। आपको बोलेगा ये कैसा स्ट्रेट लाइन होगा, तो मैंने एक बात सुन, इसकी जो एम है, जिसका स्लोप है वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स एक्स नॉट स्क्वायर, दैट इज पॉजिटिव, यानी कि पक्का इस टाइप का होगा। फिर जो सी है वो नेगेटिव है, यानी कि वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बोलो, ये आंसर हो जाएगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि इसका इसका जो ग्राफ है वो ऐसा है, यानी कि इसकी स्लोप पॉजिटिव है और इसका जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, ठीक है। आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। तो हमें दे रखा है अब पार्टिकल, पता है ये लाइन से बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है। अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, उसका एक्सेलरेशन तो मैंने दे रखा है ए, ठीक है, वर्स ए, अच्छा इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो जो उसका ए टी ग्राफ है वो तुम्हें दे रखा है इस टाइप से, जो तुम्हें डायग्राम में दे रखा है यहाँ पे। और क्या बोला है तुमसे, तुमसे बोला गया है कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी व्हाट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गलत भी कर सकते हो तुम, ये बड़ा आराम से सिली मिस्टेक हो सकती है इसमें। तो क्या है इसमें, सिंपल सी बात है, देखो ये ए है और ये टी है, ठीक है, और तुमसे बोला गया कि बिल्कुल टाइम टी इक्वल टू जीरो पे तुम्हारी एक्सेलरेशन क्या है, 10 है, और टाइम टी इक्वल टू 11 पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये हो क्या रहा है, ये चक्कर चल क्या रहा है, ये एक्सेलरेशन जो है तुम्हारी वो डिक्रीज कर रही है, तुम्हारी जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज कर रही है। पर हमें एक चीज़ पता है, हमें क्या पता है कि इसका जो एरिया होता है, द एरिया अंडर द ए टी कर्व, व्हाट इज दैट, द एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए टी कर्व क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड, राइट, बोलो, आई होप सो पता होगा, यानी कि क्या, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, राइट। अब हमें को इनिशियल तो पहले से पता है, इनिशियल क्या है, जीरो है, है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इनिशियल क्या है, जीरो है। तो ये हो गया, अब एरिया निकाल लो, बस एरिया ही तुम्हारा फाइनल स्पीड होगी उसकी, तो अब एरिया निकाल लो जल्दी से। तो एरिया क्या, ट्राइंगल यार, ये तो सिंपल सा, तो 1/2 इंटू व्हाट इज द बेस हेयर, तो बेस 11 है और हाइट कितनी है, तो हाइट है 10, तो 11 इंटू 10, तो इसका आंसर कितना आ गया, बोलो जल्दी से, 55। तो तुम्हारी स्पीड कितनी आ गई, 55, ठीक है। तो आज उसको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर 55 क्यों होगा। कुछ लोगों ना इसमें कंसेप्चुअल डाउट हो जाता है कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो तो डिक्रीज कर रहा है, तो इसकी इसकी स्पीड मैक्सिमम कैसे आ सकती है, इसकी स्पीड तो और कम हो जाएगी, मतलब उनको लगता है कि क्योंकि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो इसकी इसकी स्पीड और नीचे हो जाएगी, ना नेगेटिव में चले जाएगी। पर अगर तुम लॉजिकली सोचो ना, तो यार एक्सेलरेशन एक्चुअल में होता क्या है, वो तो जोड़ रहा है ना उसके अंदर, तो तुम्हारी स्पीड इस टाइम पे यू इक्वल्स टू जीरो है, और एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर तुम्हारा जो बंदा है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आ जाएगा, ठीक है। माना कि जब वो सेकंड सेकंड पे होगा, जब सेकंड सेकंड में होगा ना, तो सिर्फ 9 मीटर पर सेकंड ही उसमें ऐड हो रहा होगा, ठीक है, ये मान सकता हूँ मैं बात, पर कुछ ऐड तो हो रहा है ना। माना कि तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, पर कितना ही डिक्रीज हो रहा है, पर बार बार ऐड तो कर रहा है ना कुछ, हम कह रहे हैं 0.11 ऐड कर रहा है वो स्पीड उसकी, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, पर इंक्रीज तो हो रही है ना स्पीड, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम आता। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, देखो वैसे मैथमेटिकली करने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा, पर कंसेप्चुअली बंदे को डाउट हो सकता है इसमें, अगर वो कुछ कंसेप्चुअली इसमें पड़ंगा लगा देता 2004 में, 2004 में ही दूसरा क्वेश्चन आया इसी में से, और अगर किसी ने सही से पढ़ा होता ना थ्योरी, तो वो सीधे लगा के आगे बढ़ जाता। ये क्या बोला उसने, अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। तो तुम्हारे सामने एक इंक्लाइन प्लेन है, और बोला गया कि एक स्मॉल ब्लॉक है जो स्लाइड कर रहा है और कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं है, और बस इतना दे रखा तुमको, और बोला कि किसी nth सेकंड में, मतलब किसी n माइनस वन से nth सेकंड में जो डिस्टेंस होता है उसको हम n बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हें तो बताना था कि sn अपॉन sn प्लस वन क्या होगा। तो यार ये बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि कभी भी अगर जो तुम्हारा बंदा है, जो तुम्हारा जो डिब्बा है या कुछ भी है, या तुम्हारी सिंपल बॉल है जो फ्री फॉल में है, ये जो डिब्बा है काइंड ऑफ फ्री फॉल में है,
क्योंकि इसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जी है, कोई इसमें रिपल्जन फोर्स नहीं लग रहा, रिपल्जन मतलब कोई इसमें रिएक्शन फोर्स नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, सिंपल जी लग रहा है। तो अगर सिंपल जी लग रहा होना किसी भी उसके अंदर सिंपल तुम्हारा ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा इस टाइप से होता है 1:3:5:7। अब ये कहाँ से आया यार, वही वाली बात है ना, थ्योरी पर डिपेंड करता है तुमने कहाँ से पढ़ रखा है। गैलीलियोज नंबर कहते हैं इसको, सर्च कर लेना कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा तुमको ये। तो ये 1:3:5:7, तो इसका मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा ना, पहले अगर पहली बार में 1 मीटर हुआ तो दूसरे सेकंड के अंदर 3 मीटर होगा, तीसरे सेकंड में 5 मीटर होगा, चौथे सेकंड में 7 मीटर्स होगा, ऐसे करते तुम्हारी सीक्वेंस जाता है पूरा का पूरा। तो कॉमन सेंस की बात है, देखो अगर मैं देखूँ तो 2n-1 ये छोटा है और 2n+1 ये बड़ा है, अगर n तुम्हारा नेचुरल नंबर है तो, है ना। तो डेफिनेटली क्या बोलोगे अगर तुमसे वो बोल रहा है कि SN यानी कि पहला वाला सेकंड और SN+1 यानी कि उसके आगे वाला सेकंड, तो पहले वाले सेकंड पे अगर मान लो मैं 3 ले रहा हूँ तो आगे वाला तो इसको तुम 2n-1 बोल रहे हो तो ये 2n+1 होगा, जो ऑड नंबर के लिए होता ही है, इसलिए मैंने देखते ही बता देता इसका आंसर अगर किसी ने पढ़ रखा होता ये चीज़ तो। पर आपको बोलेगा कि नहीं हमें तो प्रूव ही कर दो, चलो हमने तो पढ़ नहीं रखा है ना, तो हमें तो मतलब अगर पेपर में हम जाएंगे तो हमें तो प्रूव ही करना पड़ेगा इसको। तो मैंने कहा मैं कर दे रहा हूँ, पर मतलब ऑनेस्ट सी बात है कि ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ये बहुत ही सिंपल लेवल की चीज़ें हैं, अगर तुमने स्टैंडर्ड मटेरियल पढ़ रखा है तो तुम्हें ये सब आना चाहिए, ठीक है। अब निकाल लेते हैं भाई SN क्या होता है। तो वही SN अगर तुम्हें पता हो तो इसके लिए क्या आएगा SN बोलो, इसमें अगर मैं बोल दूँ ये जी है और मान लो इंक्लाइंड का एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बोलो, ये एंगल कितना होगा, ये कितने कितने पे इसका एक्सेलरेशन लग रहा होगा, जी साइन थीटा पे, है ना, जी साइन थीटा एक्सेलरेशन लग रहा होगा इसका इस डायरेक्शन में। तो दैट सिंपली मींस कि अगर मैं इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालूं, है ना, किसी टी टाइम पे या किसी एन सेकंड पर निकालूं तो वो आएगा यू टी यहाँ पर एन है, तो UN+1/2 एक्सेलरेशन क्या है, जी साइन थीटा टी स्क्वायर क्या, यानी कि एन का स्क्वायर, राइट। एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड द SN+1, है ना, तो SN+1 भी कुछ इसी टाइप से आ जाएगा, है ना। और जब तुम्हें SN+1 मिल जाएगा तो SN+1 क्या होगा, सॉरी यहाँ पे SN+1 नहीं निकालना हमको, सॉरी, और ना ये SN है तुम्हारा, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है पूरा फ्रॉम 0 से n तक, है ना, तुम्हारा ये 0 से n तक का है, और सिमिलरली मैं निकाल रहा हूँ 0 से n+1 तक का, ठीक है। तो वो कितना आएगा, UN+1 UN+1 + 1/2 + 1/2 जी साइन थीटा। तो मैंने ये तीनों के तीनों डिस्प्लेसमेंट लिख ली हैं। अब अगर तुम इन दोनों को माइनस कर दोगे तो तुम्हें SN मिल जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो तुम्हें SN+1 मिल जाएगा, फिर दोनों को डिवाइड कर देना और तुम्हें पता चल जाएगा कि ये आएगा। वरना मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम पेपर में इतने लेंदी मेथड से जाओ, तुम्हें ये चीज़ पहले से आनी चाहिए, ठीक है। और नहीं पढ़ रखा है तो यार प्लीज़ अपने अपने मतलब सोर्स को चेंज करो, कहीं स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ो, मतलब ये बहुत गलत है अगर तुम्हें ये नहीं आता तो। क्वेश्चन नंबर फाइव ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो लेट्स ट्राई इट। हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट डी अबव द ग्राउंड, मतलब कि अगर ये तुम्हारा ग्राउंड है तो इससे डी डिस्टेंस अबव हमारे को एक बॉल दे रखी है जो कि नीचे गिर रही है, ठीक है। डेफिनेटली उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, है ना, कोई डाउट नहीं है उसमें। फिर जब वो नीचे गिरी तो यहाँ पे गई, अब टप्पा खा के वो ऊपर गई, है ना, टप्पा खा के वो ऊपर चढ़ी, फिर से जब वो ऊपर गई तो अब की बार अब वो सिर्फ d/2 वेलोसिटी तक ही जा पाई, मतलब d/2 हाइट तक ही जा पाई। ऐसा क्यों हुआ, तो तुम ऐसे मान सकते हो कि यार ऐसे मान लो अगर तुम बॉल कभी फर्श पे फेंकी हो तो होता क्या है, कुछ एनर्जी जो होती है वो हीट में चले जाती है, कुछ जो उसकी एनर्जी होती है वो आपकी जो आवाज़ होती है, जो साउंड होती है, उसके फॉर्मेट में निकल जाती है। तो इसलिए उसने बोला कि उसकी कुछ एनर्जी लूज हो गई, तो ऐसा तो होने नहीं वाला है कि वो डी डिस्टेंस अगर उस नीचे गिरी है तो ऊपर जब वो चढ़ेगी तो वो d/2 ही चढ़ पा रही है ऊपर, ठीक है ना। तो ये हमने डी से फेंकी थी और अब वो जब वापस ऊपर पहुंची तो वो सिर्फ d/2 तक ही ऊपर पहुंच पाई, ठीक है। तो उसका मोशन कैसा रहा, पहले वो ऐसे नीचे आई, ठीक है, और फिर यहाँ पे टप्पा खाया उसने और फिर ये इतनी ऊपर आ पाई, ठीक है, अगर ये डी है और ये d/2 है, सिंपल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस पॉइंट पर भी उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, है ना, तभी तो नीचे गिरी इसके बाद से, इसके बाद फिर से वो नीचे गिर जाएगी। अब उसके बाद का मुझे पता नहीं, फिलहाल मुझे तो यहीं तक का एनालाइज करना है। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो भी 0 थी और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे मोशन में जितना दे रखा है वो भी 0 है। चलो बढ़िया है, तो इससे हमें बहुत बढ़िया हिंट मिल गया। क्या हिंट मिल गया तुमको, सबसे बढ़िया जो तुम्हें हिंट मिला वो ये है कि एट h इक्वल्स टू d/2 तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो पक्का 0 होगी। तो अब मैं इधर आया, तो अगर तुम ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी पर देखो तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, देख पा रहे हो, ऐसे पता नहीं चलेगा तुमको, ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। देखो जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा था तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, हम मान लेते हैं तुम जो तुम्हारा माने तो मान सकते हो, पर हम मान लेते हैं नीचे वाला डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं और ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो अगर वो नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई,
बोलो जीरो से उसकी वेलोसिटी वी हो गई, मान लो यहाँ पे तो माइनस वी हो गई बेसिकली, राइट। और जब वो नीचे से ऊपर जाएगा, जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी प्लस प्लस वी, राइट, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो मतलब होगा क्या, ये तो पक्की बात हो गई ना कि उसकी वेलोसिटी एक बार नेगेटिव होगी और एक बार पॉजिटिव होगी। क्या तुम क्वालिटेटिव डिस्कशन समझ पा रहे हो? तो तुम्हें नहीं लग रहा ये दोनों गलत हो गए पहली? बोलो, क्योंकि यहां पर दोनों वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, और यहां पर भी दोनों वेलोसिटी नेगेटिव है, और ये दोनों केस नहीं हो सकते। हमने बोला एक बार नेगेटिव होनी चाहिए और एक बार पॉजिटिव होनी चाहिए। और तुम्हें ये बात ही समझ आनी चाहिए, ये क्या है, ये एच है। एच क्या है? तो एच हमें पता है एक बार तो डी है और एक बार डी बाय टू है। सिमिलरली यहां पर भी एक बार तो डी है और दूसरी बार डी बाय टू है। अब अगर तुम क्वालिटेटिवली देखना चाहो तो तुम समझ सकते हो। देखो एक बात समझते हैं, जल्दी से समझते हैं। हमें इतना समझ में आ चुका है कि ऑप्शन नंबर बी और डी ये दोनों गलत हैं, ये तो पक्का गलत है, हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा, तो क्योंकि उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो एक बार वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए, एक बार पॉजिटिव होनी चाहिए। अब मेरे को ये बताया अपने फॉर्मूले से कि वी स्क्वायर जो होता है वो होता है यू स्क्वायर प्लस टू जी एच के बराबर। बोलो बिल्कुल। तो अब अगर तुम्हें समझ में आनी चाहिए तो ये जो इसका ग्राफ बनेगा, जो भी इसका ग्राफ बनेगा वो डेफिनेटली पैराबोला टाइप से बनेगा, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक टाइप की बन गई। अच्छा, यू तो हमारा पहले से 0 है, तो ये तो ऐसा बनेगा वी इक्वल टू रूट टू जी एच। अगर तुम्हें नहीं भी आता तो तुम्हें इतनी बात समझ में आती है यार, वी स्क्वायर यानी काइंड ऑफ एक्स स्क्वायर वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो कर्व्ड ही बनेगा, है ना, लीनियर तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। तो ये भी गलत हो गया, देन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही फास्ट तरीका था क्वेश्चन को अप्रोच करने का। और अगर तुम्हें और थोड़ा बहुत कंसेप्चुअली समझना है कि यही क्यों हुआ, है ना, मतलब ऐसा ही क्यों बना ग्राफ, अगर मुझे कोई बोल दे कि ग्राफ को प्लॉट करो तो तुम कैसे करोगे, तो अभी हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उसमें प्लॉट करने में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो तुम खड़े हो, ये तुम्हारा एच है, ये तुम्हारा हाइट है बेसिकली, और तुम खड़े हो डी पर, ठीक है, और ये एक पॉइंट है डी बाई टू। तो डी पर तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी? बोलो तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी? 0 ही थी, तो यही तुम्हारा पॉइंट होगा डी पर, तो ठीक है। और इसको हम बना लेते हैं वी, ठीक है ना, ये हमारा वेलोसिटी वाला बंदा है। अब हमें पता है कि जब वो डी से 0 पे आ रहा था, यानी कि वो जब यहाँ से नीचे गिरा जमीन पे पहुंचा वापस, तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो यानी कि किस टाइप से होगी? और हमें पता कर्ली बनना है तो ऐसे ही बनेगी। कहाँ पहुंचोगे? यहाँ पहुंचोगे। बोलो, आई होप सो समझ में आ रही है। इतनी सिंपल सी बात है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, समथिंग मतलब हमें पता नहीं फिलहाल, माइनस वी वन टाइप कुछ हो जाएगी, सिंपल। फिर जैसे ही वो ऊपर जाएगा ना, तो अगर यहाँ से आ रहा था वो माइनस वी वन से, तो वी वन से ऊपर नहीं जाएगा वो, अब वो जाएगा वी टू वेलोसिटी से ऊपर। क्यों? अब वो भी पॉजिटिव। वी टू से क्यों क्या गया, वी वन से क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो तुम्हारी हीट और साउंड में रेडिएट हो गई, तो उसकी वेलोसिटी सेम कैसे रह सकती है यार, उसकी वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज होगी, तो वेलोसिटी वी टू होगी, और वी टू जो होगी वो वी वन से कम होगी मैग्नीट्यूड में। तो यहां पर अगर हम मान लें वी टू, और अब तुम्हें बताया कि ये वीडियो वी टू वाला बंदा है, ये डी बाई टू जब हाइट चढ़ेगा तो यहां पर उसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी, तो ये लो बेटा फिर से 0 हो गई। इन एरो का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है? इन एरो का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है? ये तो मैं पूरा मोशन समझा रहे हैं कि डी से हम गए 0 पे और फिर 0 से हम वापस गए डी बाई टू तक, ठीक है। एक्चुअल में सही बात तो ये है कि वी एक्स ग्राफ जो होता है उसमें हमेशा एरो बना हुआ होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस में नहीं था अभी ऊपर, हम लोगों ने जो देखे थे उनमें एरो नहीं बना हुआ था क्योंकि उनमें जरूरत नहीं थी। एक्चुअली अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो तुम्हारा टाइम वाला जो ग्राफ बनता है ना, मैंने तुमसे बोला वी टी ग्राफ, तो वी टी ग्राफ कैसा भी हो हमें पता है टाइम हमेशा 0 से आगे जाता है, टाइम कभी पीछे नहीं जाता, समझ में आ रही है बात। पर डिस्प्लेसमेंट में तुम आगे पीछे कभी भी जा सकते हो, अगर तुम्हारा ग्राफ को ऐसा बना दे तो तुम आगे भी जा सकते हो और पीछे भी आ सकते हो डिस्प्लेसमेंट में, तो इसलिए तुमको एरो बनाना पड़ेगा कि तुम आगे गए या पीछे गए। एक बार बताओ, मानो ऐसे, मान लो चलो बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल ले लेते हैं, मानो तुमको ऐसे दे दे वेलोसिटी वर्सेस ग्राफ, तुम्हें ऐसे दे दे ये, इसका क्या मतलब बना? बोलो क्या मतलब बना इसका? कोई मतलब नहीं बना इसका। तुम्हें पहले बताना पड़ेगा कि जब तुमने अपना डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज किया, यानी कि जब तुमने डिस्प्लेसमेंट 0 से मान लो तुम 10 मीटर तक गए, तो 0 से 10 मीटर ऐसे गए तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, या फिर जब तुम 10 से 0 वापस आ रहे थे तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। समझ में आ रहा है? तो ये एरो का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि तुम 0 से 10 में जा रहे हो या 10 से 0 पे आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि और जो अगर टाइम वाला ग्राफ होता, मान लो यहाँ पे वी टी ग्राफ होता तो बहुत ही सिंपल था, तो मतलब ये यार टाइम टी को 0 पे कुछ भी नहीं बोल रहे हम, टाइम टी को मान लो 1 सेकंड पे ग्राफ में वैल्यू ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 10 पे ये है, तो एरो बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट था। आइए साहब अब करते हैं क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6। ये तो बहुत ही सिंपल, हटाओ इसको। क्या है ये? 1 सेकंड के अंदर अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, मूविंग इन अ सेमी सर्कल पाथ, ठीक है, बढ़िया। और 1 मीटर तो मैं रेडियस दे रखा है सेमी सर्कल पाथ का, पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अरे यार, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? अबे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 मीटर। अरे यार, ये एक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 मीटर हो गया। और टाइम कितना लगा? बोलो टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। तो 2 बाय 1 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड, दैट्स द आंसर, सिंपल। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आ जाओ इसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करेंगे अब। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब अगर तुमने इसको अपने आप कर दिया तो मतलब क्या बोलूँ, कोटा फैक्ट्री की तुम वो एकदम
चॉकलेट प्रॉब्लम वाली तुमने सॉल्व कर दी। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली तुमसे मतलब पक्का, मुझे पक्का नहीं पता तुमसे होगा या नहीं होगा, एक बार ट्राई करो उसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई करा, पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, मतलब मैं बताता हूँ तुमको। तो अ पार्टिकल पी इज स्लाइडिंग डाउन अ फ्रिक्शन लेस हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल में नहीं कटोरी, सिंपल सी बात है, अपनी इंडियन लैंग्वेज में कटोरी है भाई साहब ये तो कटोरी में एक पार्टिकल है पी जो कि स्लाइड कर रहा है, बहुत बढ़िया, एट एट अ पॉइंट ए, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है यहाँ पे इस टाइम पे है ना, पॉइंट ए पे है वो, कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर है वो ए पॉइंट पर है अपनी कटोरी पे और टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे। फिर बोला एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज वी, यानी कि उसकी हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट जो है वेलोसिटी का वो वी है। किसी ने बोला ठीक है बढ़िया। अब बोला एक बीड है, एक बीड 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 ठीक है, अ बीड क्यू ऑफ द सेम मास एस पी इज इजेक्टेड फ्रॉम ए एट टी इक्वल्स टू जीरो अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। देखो हुआ क्या यहाँ पर, तुम समझ नहीं पा रहे होगे, मान लो ये तुम्हारी कटोरी है, ये तुम्हारी कटोरी है, इस कटोरी में कोई पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है ठीक है, सिमिलरली एक और पॉइंट है बी, यहाँ पे मैंने एक रस्सी लगा दी है, क्या लगा दी, मैंने एक स्ट्रिंग लगा दिया ए बी ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक छल्ला लगा दिया, छल्ला मतलब एक रिंग टाइप की लगा दी मैंने जो कि सेम मास की है, जैसे यहाँ पे एक और मैंने एक पार्टिकल लगा दिया ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है और ये जो छल्ला है, इस छल्ले को बोलते हैं क्यू और इस पार्टिकल को बोल देते हैं पी, बोलो सही है। तो ये जो पार्टिकल पी है ये आ रहा है स्लाइड होते हुए नीचे, मतलब ये तुम्हारा स्लाइड होगा, ये तुम्हारा स्लाइड होगा इस कटोरी पे, और ये जो छल्ला है क्यू ये इस वेलोसिटी से जा रहा है वी, मतलब ये वी वेलोसिटी से जा रहा है ए टू बी ठीक है, और ये जो पी पार्टिकल है इसका ये जो जिस वेलोसिटी से ये जो नीचे आ रहा है उस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो भी वी है, और दोनों का मास भी सेम है, इसका मास भी एम है और इसका मास भी एम है। तो तुमसे बोला है कि कौन पहले पहुंचेगा बी पर, क्यू पहले पहुंचेगा या पी पहले पहुंचेगा, बोलो अब बताओ। अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्या समझ में आया कि क्यू और पी का मास सेम है, क्यू जो है वो एक छल्ला टाइप का, एक रिंग टाइप की है जो कि ए से बी की स्ट्रिंग में पास कर रहा है, मतलब ए टू बी जा रहा है, कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ नहीं है, और जो पी है वो स्लाइड कर रहा है कटोरी पे, तो वो ऐसे जाएगा, वो ऐसे करके स्लाइड करके ऊपर पहुंचेगा राइट है, और जो क्यू वाला बंदा है वो सीधे जाएगा ऐसे करके, तो बिल्कुल ऐसा होगा कि मानो बीच में कभी गड्ढा पड़ जाए और तुम एकदम सीधे जा रहे हो, तो कौन पहले पहुंचेगा, ये वाला बंदा या ये वाला बंदा, कोई फ्रिक्शन नहीं कुछ नहीं है, सिंपल आइडियल केस लेकर चल रहे हैं, बोलो बताओ लॉजिकली बताओ तुम्हें क्या लग रहा है। मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को नहीं मतलब 99% लोगों को लगता है कि क्यू पहले पहुंचेगा, बोलो क्या तुम्हारे दिमाग में आया, लोग लगता है शॉर्टेस्ट पाथ है और दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, अबे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तुम दोनों को सेम ट्रैवल करना है कि नहीं है, अबे इसकी वेलोसिटी भी वी है और इसकी वेलोसिटी भी वी है, बोलो सही बात है नहीं है, है ना, हर किसी के दिमाग में ये चीज़ आती है कि भाई अगर मैं नॉर्मल केस ले लूँ तो ये रहा तुम्हारा ए पॉइंट, ये रहा तुम्हारा बी पॉइंट, मान लेते हैं इनके बीच में मान लो 10 मीटर की दूरी है, मान लो इनके बीच में 10 मीटर की दूरी है, तो जो क्यू वाला बंदा है, जो क्यू वाला बंदा है उसकी स्पीड कितनी है वी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो तुम्हारा पी वाला बंदा है उसकी स्पीड कितनी है उसकी भी वी है, और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, तो दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे। तो कुछ लोगों का पॉइंट ये रहता है कि टी पी और टी क्यू ये दोनों सेम रहेंगे, कुछ लोगों का पॉइंट होता है कि जो क्यू है उसको कम वो करना है, उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसलिए जो टी क्यू है, जो टी क्यू है वो जल्दी पहुंचेगा टी पी से ठीक है। और जो प्रो लेवल फिजिसिस्ट होते हैं ना ठीक है, जिनके अंदर दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, वो बोलते हैं कि भाई साहब टी पी जो है ना वो टी क्यू से कम है, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, टी पी इज लेस देन टी क्यू। अब मतलब मैंने तुम्हें आंसर भी बता दिया, अब तुम बताओ मेरे को, अब तुम सोचो है ना, अब तुम सोचो कि क्या हो रहा है, ये है हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो बंदा स्लाइड होकर आ रहा है वो पहले पहुंचेगा एज कम्पेयर टू जो ये वाला बंदा है, बताओ क्यों होगा ऐसा। तो इसको समझते हैं जरा ठीक है ना, देखो तो मान लो ये तुम्हारा बाउल है ठीक है, और ये अभी मैं पी पार्टिकल मान लो यहाँ तक पहुँचा है अभी स्लाइड होते होते, तो जब वो यहाँ पहुँचेगा तो उस पर क्या क्या लग रहा होगा, उस पर ग्रेविटी अपना फोर्स लगा रखी होगी एम जी, बिल्कुल सही बात है, और उस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा एन, उस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा एन, क्या बात समझा पा रहा हूँ मैं कि नॉर्मल फोर्स लगेगा यानी रिएक्शन फोर्स लगेगा जो कटोरी लगाएगी उस पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ठीक है, बढ़िया। अगर मैं इस एन के कॉम्पोनेंट्स कर लूँ, अगर मैं इस एन के कॉम्पोनेंट्स कर लूँ तो क्या होगा, एक कॉम्पोनेंट इधर जाएगा और एक इधर होगा है ना, अगर तुम जो भी मान लो, तो एक तुम्हारे को फिलहाल एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल चुका है और एक वर्टिकल कंपोनेंट मिल चुका है, फ्रिक्शन है ही नहीं, हमसे पहले बोल दिया गया था ये क्वेश्चन में ठीक है। मान लो ये पॉइंट हमारा सी है, मतलब ये सेंटर है एक तरीके से जहाँ पे तुम्हारा पूरा मामला चेंज हो रहा है, तो ये तुम्हें लग रहा है, और तुम्हारी वेलोसिटी एक्चुअल में क्या थी, तो हॉरिजॉन्टली अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो मेरी वी वेलोसिटी थी, अगर तुम्हें याद हो है ना, यहां पर जब अगर ये तुम्हारा ए पॉइंट है और मान लो ये तुम्हारा बी पॉइंट है ठीक है, और इस पॉइंट पर जो तुम्हारा पी था उसकी वेलोसिटी वी थी, तो आगे जाके क्या हो रहा है, आगे जाके जो नॉर्मल फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि हुआ क्या, जब उसकी वेलोसिटी वी थी ना, तो फ्रॉम ए टू सी जो ए की वेलोसिटी है, वेलोसिटी द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, एच वी लिख दे रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है दैट इंक्रीज, वो इंक्रीज हो गई, वो वी से इंक्रीज हो गई सी तक। लेकिन अब कुछ और जो बिल्कुल ही प्रो लेवल बंदा है वो बोलेगा अबे रुक जाए एक मिनट, रुक 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 मेरी बात सुन, अगर तुम इधर आ गए, अगर तुम्हारा पी पार्टिकल जो है वो इधर पहुंच गया
मैंने बोला चलो सही है, तो अब तो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, है ना, अब तो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, और एम जी तो अभी भी ऐसे लगने वाला है, और एम जी को घंटा फर्क भी नहीं पड़ रहा। अब फिर से हम इसके कॉम्पोनेंट करेंगे, तो अब तो यार ये कहानी गड़बड़ हो गई। अब तो क्यों गड़बड़ क्यों हो गई, क्योंकि अब जो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ये जो वर्टिकल फोर्स है, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स ही मतलब है हमें, तो हमारी वेलोसिटी क्या थी इस सी पॉइंट पे, हमारी वेलोसिटी मान लो हो गई, मान लो वी टू हो गई, हमारी इनिशियली कितनी थी वी थी, अब हमारी वी टू हो चुकी है, और डेफिनेटली वी टू जो है वो वी से ज़्यादा है। क्यों है ज़्यादा, क्यों है, इसलिए ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा उसी की डायरेक्शन में। अब क्या होगा, अब ये जो वी टू वेलोसिटी है इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि डी एक्सेलरेशन, यानी कि वी टू वेलोसिटी जो है अब वो डिक्रीज होना शुरू होगी, अब वो डिक्रीज होना शुरू होगी। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये सेंटर जो है बिल्कुल सिमेट्रिकल है, यानी कि अगर ए पॉइंट से तुम पहुंचे थे वी टू पे, तो जब तुम फ्रॉम सी टू बी जाओगे, फ्रॉम सी टू बी जब तुम पहुंचोगे, तो तुम्हारी वेलोसिटी वी टू से दोबारा वी बन चुकी होगी। तो तुम्हारी इस बार क्या हुआ, इस बार तुम्हारी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो डिक्रीज हुई। तो ये हो क्या रहा है, क्या पागलबंदी चल रही है ये। अब मैं बताऊं हुआ क्या यहाँ पे, मैंने तुम्हें बहुत बड़ी चीज बता दी, पता है क्यों, अगर तुम देखोगे क्यू, जो हमारा क्यू है, जो हमारा छल्ला था प्यारा सा, वो तो पूरे टाइम बिल्कुल चुपचाप वी से चला है, वो तो है ना कॉन्स्टेंट वी से अपना आगे गया वो तो, ठीक है। तो जो तुम्हारा क्यू है, जो तुम्हारा क्यू है वो ए टू बी कैसे गया, मान लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए, ऐसे मान लेते हैं कि वी मान लो हमारी है 5 मीटर पर सेकेंड, कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये किस स्पीड से गया है, ये कॉन्स्टेंट 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया है ए टू बी। पर जो मेरा पी वाला बंदा है, जो मेरा पी है, जो मेरा मेन जिसमें मेरी पूरी कंसिडरेशन है, पूरा दिमाग लगा रहा हूँ, वो बंदा क्या हुआ, उसकी स्पीड पहले इंक्रीज हुई, वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने स्टार्ट किया था, फिर उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, कितनी इंक्रीज हुई, 5, 6, 7 मान लो ऐसे करके 8 मीटर पर सेकेंड उसकी मैक्सिमम स्पीड हो गई सी पर, सी पर उसकी मैक्सिमम स्पीड है। तो ये उसकी वी सी है ना, ये उसकी मैक्सिमम स्पीड है, या फिर वी टू है, जो हमने वी टू माना था इसको, राइट। अब क्या हुआ, 8 मीटर सेकेंड से वापस कितनी हो गई 5 मीटर सेकेंड, कौन से पॉइंट पे, बी पर। तो कोई बोलेगा जितनी इंक्रीज हुई डिक्रीज हो गई तो अभी भी बराबर ही रहेगा। मैंने कहा रुको एक बात सोचो, जो तुम्हारा क्यू था वो थ्रू आउट द मोशन की स्पीड कितनी थी, अगर यहाँ पर 5 थी, मान लो ये ए पॉइंट है, और मान लो ये कोई एक बीच वाला पॉइंट है ए वन, ये सी है, मान लो ये है, मान लो ए टू, और ये मान लो तुम्हारा बी, ठीक है। तो इसकी इस पर भी 5 थी, है ना, इस पर भी 5 थी, इस पर भी 5 थी, इस पर भी 5 थी। और जो तुम्हारा पी वाला बंदा है उसकी ए पर कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड थी, बिल्कुल सही बात है, है ना। पर इस पे कितनी थी, मान लो 6 मीटर पर सेकंड थी, है ना, क्योंकि इंक्रीज कर रही थी। और सी पर कितनी थी, हमने माना है कि 8 मीटर पर सेकंड थी, मतलब इंक्रीज कर रही थी बेसिकली। और उसके बाद क्या हुआ, उसको फिर से डिक्रीज करी, तो मान लो फिर से कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकंड, सिमेट्रिकली होगा हर चीज़, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल कट हो रही है हमारी। और फिर आखिरी में जाकर कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अब तुम्हें दिख रहा है क्या हुआ, ये बंदा हमेशा चला 5-5 से, और ये बंदा क्या हुआ 5-6, 8-6, यानी कि हमेशा वेलोसिटी बीच में क्या हुई, इंक्रीज ही तो हो रही है यार, मतलब वेलोसिटी 5 से तो बड़ी है ना, 5 से तो कभी कमी नहीं हुई ना, 5 से तो ऊपर ही रही। तो ये बंदा हमेशा 5 से चला, और ये बंदा कभी 5-6, 8-6 से चला, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा तेज चला। और अगर ये ज़्यादा तेज चला और दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम है, अबे हॉरिजॉन्टली तो डिस्प्लेसमेंट सेम ही है ना यार, मैं वर्टिकल को तो कंसिडरेशन ले ही नहीं रहा हूँ कि वो नीचे गया और ऊपर आया, नीचे ऊपर वाली कहानी उसने संभाल ली, वर्टिकल वाले कॉम्पोनेंट संभाल ली, वो तो मेन तो हॉरिजॉन्टल था, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है फ्रॉम ए टू बी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है, अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है और जो वेलोसिटी ऑफ पी है वो ज़्यादा है वेलोसिटी ऑफ क्यू के, कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, समझ में आ रही है बात, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पी इज ग्रेटर देन क्यू, दैट सिंपली मीन्स कि टाइम टेकन बाय पी जो है वो टाइम टेकन बाय क्यू से क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो पता नहीं, ठीक है। अगर चीज़ समझ में आ गई तो मुझे बताओ, मानो एक स्ट्रेट लाइन बनना जा रहा है, ये हमारी बॉल है और ऐसे जा रही है वो, ठीक है, और वी वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, और उसे बी तक पहुँचना है, कहाँ तक पहुँचना है, बी तक। और एक बंदा ऐसा बीच में गड्ढा पड़ गया, बीच में गड्ढा पड़ गया, और ये फिर से तुम्हारा ए वाली बंदा है, और ये वी से गया, और अब इसे बी तक पहुँचना है। तो अब तो मुझे बताओ कौन पहले पहुँचेगा, कौन पहले पहुँचेगा, इस बंदे का नाम है, मान लो इस बंदे का नाम है ए वन और इस बंदे का नाम है ए टू। तो अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया है तो तुम एक सेकंड से पहले बोल सकते हो कि ए टू जो होगा वो रेस जीत जाएगा, क्योंकि ए वन जो है वो पूरे ढंग से चलेगा वी 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 से चलेगा, और इस बंदे के साथ क्या होने वाला है, इसकी वेलोसिटी पहले इंक्रीज होगी, पहले इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और फिर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, पर रहेगी हमेशा वी से ऊपर ही। इसका मतलब ऐसा होगा कि ए टू पहले पहुंचेगा। अगर किसी को इंट्यूटिव वाली फीलिंग नहीं आ रही हो ना, तो मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालने का, जिस बंदे ने इस पे पूरा एक्सपेरिमेंट कर रखा है, उसने पूरा दिखाया है तुम्हें बकायदा, वो मतलब बहुत ही बढ़िया लगते हैं मेरे को वो, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाई है, उन्होंने पूरा शो करके दिखाया कि अगर स्ट्रेट जा रहा है और अगर ऐसे कर्व होकर जा रहा है तो ये पहले पहुंचेगा और ये बाद में पहुंचेगा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। तो मतलब हैंड्स डाउन टू यार आईआईटी यार, कसम से 1993 का क्वेश्चन है, तुम देख रहे हो कितना टाइम लग गया मैं इसको समझने में, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि 1993 और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते थे ना, तो वो उस टाइम के नहीं होते थे कि 1 मिनट में सॉल्व करना है कि 2 मिनट में सॉल्व करना है, उस टाइम पे तुम्हारे पास टाइम होता था, तो इनको समझ लो, कोई इसमें वो नहीं मत रखो इसको कि हमें आता नहीं है ये है वो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में से बोला गया एक बोट है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम आ गया है, तो रिवर बोट प्रॉब्लम। उसने बोला एक बोट है और उसकी स्पीड जो है विच हैज़ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर। अच्छा, तुम्हारी ये रिवर है ठीक है, और ये तुम्हारी बोट होगी जो भी होगी, उसकी स्पीड दे रखी है तुमको 5, यानी कि तुम्हारी जो बोट है उसकी स्पीड तुम्हें दे रखी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आर, ठीक। और जो तुम्हारा पानी है, एक सेकेंड, और तुम्हारे को जो रिवर है उसकी विड्थ दे रखी है 1 किलोमीटर, ठीक है। तुमसे बोला शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पे जाना है, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कैसे होता है, अगर तुम ढंग से पढ़ रखा होगा तो, अगर तुम ऐसे जाओगे एक थीटा एंगल पे, अगर तुम जाओ वर्टिकल के, अगर तुम्हारा वर्टिकल है और तुम ऐसे एक थीटा एंगल पे जाओ सच दैट कि जो तुम्हारी जो रिवर की वेलोसिटी है, अगर रिवर की वेलोसिटी आर है और तुम्हारी वेलोसिटी वी बी है, तो रिवर की वेलोसिटी इस पूरे थीटा को नलीफाई करके तुम्हें सीधे इधर इधर से ले जाओ, देन दिस विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो तुम्हें एक थीटा एंगल से चलना पड़ेगा, ये तो तुम्हें आता ही होगा जहाँ तक है ना, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। तो तुमसे पूछा गया क्या, तुमसे पूछा गया है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिवर, तुमसे वी आर पूछा गया है कि वी आर क्या होगा। नो दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये वेक्टर क्या होगा। देखो पहले तो तुम्हें पता है वी भी 5 है, ठीक है, और तुम्हें ये भी देखा है कि 1 किलोमीटर तुम्हारा डिस्टेंस है, तुम 15 मिनट में तुमने उसको ट्रैवल कर लिया। 15 मिनट क्या होता है, व्हाट इज 15 मिनट्स, 15 मिनट्स मतलब होता है 1/4 आर, 1/4 आर, यानी कि व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड, इसको क्या बोलते हैं एक्चुअल स्पीड, कि जिससे तुमने रियलिटी में ट्रैवल किया। तो तुम्हारी वी एक्चुअल क्या है, एक्चुअल में वी एक्चुअल क्या है, 1 किलोमीटर को डिवाइड बाय 1/r, 1/4, यानी कि 4 किलोमीटर पर आर, इस स्पीड से इस वेलोसिटी से तुमने एक्चुअल में रिवर को क्रॉस किया, ठीक है। तो ये तुम्हारी 4 है और ये तुम्हारी कितनी है, 5 है, तो ये तो यार सिंपल सा पाइथागोरस ट्रायंगल बन गया, ये 90, ये 5 है, ये 4 है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, 3 होगा। तो मिल गया तुम्हारा आंसर, तो वी रिवर कितनी हो गई, 3 किलोमीटर पर आर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब ये देखो बिल्कुल ही चुल्लू भर क्वेश्चन, क्योंकि ना एक्चुअली चुल्लू भर पता है अभी लग रहे हैं तुमको, क्योंकि आप तुम लोगों ने पढ़ रखा है एज अ थ्योरी, पर उस टाइम पे एज अ थ्योरी नहीं आता था ये सब, तो उस टाइम पे बच्चों को सोचना बहुत टफ पड़ता होगा ये। अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट हमारी रिवर जा रही है, और बोला गया है उसकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर मिनट है, ओके। अ मैन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर, वॉन्ट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। अरे बात ही खत्म हो गई सारी, शॉर्टेस्ट टाइम का क्या मतलब होता है, सीधे जाएंगे अपन तो, अपनी पूरा दम जो है हम वर्टिकल डायरेक्शन लगा देंगे जिससे कि टाइम सबसे कम हो जाए, यानी कि कैसे जाएगा वो साउथ से प्योर नॉर्थ पे जाएगा, तो ड्यू नॉर्थ पे जाएगा, कुछ करना ही नहीं है इसमें तो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो ड्यू नॉर्थ पे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व, ए ऑप्शन हो गया इसका तो, ठीक है आ जाओ। अरे ये फिर से बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, अगर तुमने पहले से कंस्ट्रेंड मोशन हल्का फुल्का कर रखा होगा तो तुम्हें मतलब कुछ भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। क्या इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द एंड पी, अच्छा ठीक है, तो ये हमें दे रखा है इस टाइप से, देखा यहीं सॉल्व कर देना है, क्या फालतू में टाइम वेस्ट करना। तो हमारा जो ये पूरा अरेंजमेंट दे रखा है, इसमें बोला ये पी और क्यू ये दोनों नीचे आ रहे हैं, ये दोनों नीचे आ रहे हैं किस स्पीड से, हमें स्पीड दे रखी है कि ये यू स्पीड से, कैपिटल यू स्पीड से दोनों के दोनों नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये नीचे आ रहे हैं तो यार ऑब्वियसली बात है कि ये क्या आ रहा होगा, ये ऊपर आ रहा होगा वी स्पीड से, डेफिनेटली है ना, सिंपल सी बात है। और हमें दे रखा है इसका मास एम है, तो तुमसे पूछा गया है, तुमसे क्या पूछा गया है कि द मास एम मूव्स अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ व्हाट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मतलब तुमसे ये वी पूछा गया, बेसिकली तुमसे पूछा गया बता वी कितना होगा, अगर तुम्हारा मास एम जो वी स्पीड से ऊपर आ रहा है जब ये दोनों नीचे जा रहे हैं तो वी क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, क्यों, क्योंकि अगर तुमने कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ रखा है तो तुम्हें समझ में आएगा कि रस्सी जो है यहाँ पे जो इस टाइप से तुम्हें दिख रहा है ना, ये रस्सी दिख रही है तुमको, ये तुम्हारा एम मास है ना, इस वाले का डायग्राम बनाया मैंने को, और ये यू है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो यू स्पीड से नीचे आ रहा है। अब तुम सोचो जो बिल्कुल एम से जो चिपका हुआ वाला पार्टिकल होगा, जो एम जो ये तुम्हारा डिब्बा है एम, इससे जो स्ट्रिंग का जो पार्टिकल चिपका हुआ होगा वो किस स्पीड से जा रहा होगा, सोच के देखो। अगर तुम्हारा जो ये एम मास का बंदा है, अगर ये वी की स्पीड से जा रहा है और ये थीटा है, यानी कि ये जो पार्टिकल होगा ये वी कॉस थीटा की स्पीड से जाएगा, सिंपल, ये किस स्पीड से जाएगा, वी कॉस थीटा की स्पीड से जाएगा। अब तुम सोचो अगर ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये एक पार्टिकल है और ये भी इसी में ही पार्टिकल है, और हमें पता है कि स्ट्रिंग जो होती है वो स्ट्रेचेबल नहीं होती, यानी कि वो खिंच नहीं सकती, यानी कि दोनों की स्पीड जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अगर अलग अलग स्पीड हो गई, मान लो ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रहा है, तो स्ट्रिंग तो इलास्टिक बन गई, स्ट्रिंग तो खिंच जाएगी, अबे तू 5 से चल रहा है 3 से चल रही है तो वो तो खिंच जाएगी ना, तो ऐसा तो होगा नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो 3 और 5 को बराबर होना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर वी कॉस थीटा को, यानी कि इस वाली स्पीड को यू के बराबर होना पड़ेगा। एंड वॉट डज दैट मीन कि यू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, सिंपल, दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ये तुम्हारा तुम्हें वी निकालना था, दैट इज द आंसर। आई होप सो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड्स, अच्छा एक पार्टिकल है जो ईस्टवर्ड्स मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अब पता ना ये ईस्ट वेस्ट सुन के थोड़ा अजीब लगता है, तो हम तो उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो यार अगर वो ईस्ट मतलब होता है इस तरफ, यानी कि आई कैप, ये आई कैप का जो डायरेक्शन है, तो 5 आई कैप मीटर पर सेकंड,
है ना, इस स्पीड से वो जा रहा है। फिर क्या हुआ, 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड के टाइम में उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई एकदम से। क्या चेंज हो गई उसकी वेलोसिटी? उसकी वेलोसिटी एकदम से ये हो गई 5 मीटर पर सेकंड इन द नॉर्थ। नॉर्थ यानी कि जे कैब, यानी कि 5 जे कैब हो गई एकदम से। मतलब 5 i कैब थी और अब 5 जे कैब हो गई एकदम से। तो तुम्हें बताना है एवरेज एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, दैट इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सही बात है एकदम। डेल्टा वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। टाइम टेकन तुम्हें पहले से दे रखा है 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है। फाइनल क्या है, फाइनल है 5 जे कैब, इनिशियल क्या है -5 i कैब। तो ये तुम्हारी एवरेज एक्सेलरेशन हो गई। पर तुम देखोगे तो उसने तुमसे क्या पूछा है, उसने तुमसे मैग्नीट्यूड पूछा है। तो यार मैग्नीट्यूड पूछा, इसका मतलब बनेगा तो हमें इसका बेसिकली मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो वो तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या बन गया, ये बन गया 1/2 -1/2 i कैब +1/2 j कैब, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपल 1/2 का स्क्वायर +1/2 का स्क्वायर। डायरेक्टली लिख सकते हैं सीधे सीधे क्या, 1/2 √2, यानी कि 1/√2। तो 1/√2 इसका आंसर है। पर अब इन्होंने इसका डायरेक्शन भी पूछा है, तो वो भी बहुत ही सिंपल काम है। क्यों? क्योंकि हमको दे रखा है कि पहले क्या था उसकी वेलोसिटी, पहले उसकी वेलोसिटी थी 5 i कैप, है ना, और अब एकदम से उसकी वेलोसिटी हो गई 5 j कैप। तो ऐसा कैसे हो गया? तो अब मुझे बताया कि जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ठीक है। यानी कि जो एवरेज एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वही, मतलब जो डेल्टा वी की जो डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी। नाउ व्हाट इज डेल्टा वी, व्हाट इज डेल्टा वी, दैट इज 5 j कैप -5 i कैप। तो इसका माइनस कर दो, इसका माइनस कर दोगे तो यहाँ पर जाओगे तुम, दैट इज -5 i कैप, ठीक है। और फिर इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये कुछ इस टाइप से आएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज 5 -5 i कैप +5 j कैप। दो वेक्टर्स को जोड़ा है और क्या करा है। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, व्हाट इज दिस डायरेक्शन, व्हाट इज दिस, दिस इज, बोलो, ये तुम्हारी जो डायरेक्शन है वो हो गई नॉर्थ वेस्ट, है ना। अरे यार बोलना, अगर ये नॉर्थ है ये वेस्ट है देन दिस इज डेफिनेटली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, है ना। बस बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 1982। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी क्वेश्चन है कंसेप्चुअल लेवल पे, मतलब लिटरली मज़ा आता है। इसके बाद वाले भी बहुत ही कंसेप्चुअल है। तो ऐसा करते हैं, अभी के लिए इस वीडियो को खत्म करते हैं, छोटी सी वीडियो रखी मैंने, ठीक है, क्योंकि हमारा एक टाइप खत्म हो गया यहाँ पे, सिंगल करेक्ट। अगली वीडियो में, अभी जो इसके ठीक बाद वाले लेक्चर होगा उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे मोर देन करेक्ट, और इसके आगे भी जितने भी क्वेश्चंस हो जाएंगे वो अगले लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप सो तुम्हें अच्छा लगा होगा आज का सेशन। हम लोग ने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें, कितने लगभग 11-12 क्वेश्चन सॉल्व करें, और ये सारे अच्छे क्वेश्चन थे क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन थे 1978 से 2019 तक के सारे क्वेश्चन। एक्सक्लूसिव कंटेंट कहीं नहीं है, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं है, और जो बुक्स होती हैं उनमें यार अच्छे से समझाया हुआ नहीं होता। तुम कोई भी बुक खोल के देख लो, तुम्हें इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई बुक नहीं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप सो अगर तुम्हें अच्छा लगा तो यार कर लेना जो भी करते हैं यूट्यूब पे। थैंक यू वेरी मच।